मैं इंस्पेक्टर प्ले कर रहा हूँ फिल्म में, जो कि फिल्म में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, केस होती हैं, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो बेसिकली स्टोरी में रहस्य क्या है, हम उसको ढूंढने निकलते हैं और लास्ट में मालूम चलता है कि हाँ नहीं, बेसिकली हुआ क्या था। तो मैं हूँ सही है मेरे अपोजिट में, जो कि हम दोनों मिल कर के कहीं ना कहीं रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप फिल्म देखेंगे 21 तारीख को, आपको मालूम चलेगा कि हाँ नहीं फिल्म में एग्जैक्टली क्या खूबसूरती है, और आई होप कि आप सबको पसंद आएगी। बहुत अच्छी रही, मतलब मैं तो बहुत जूनियर हूँ और मैं हमेशा से उनका फ़ैन रहा हूँ। जैकी दादा इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बींग और कमाल के एक्टर हैं, तो हम साथ में शूट करने में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला और बहुत प्यार मिला। मतलब वो साथ में रह करके ऐसा हमें नहीं लगता था कभी कि हम सब बिग एक्टर, हम न्यू कमर हैं। उन्होंने बहुत कंफर्टेबल होकर के हमें खुद भी रहे, हमें भी रखा, और बहुत मज़ा आया साथ में काम करके। जी जी, आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा खुल गई है। मतलब एक टाइम था जब, मतलब मैं जब 10 साल पहले मुंबई आया था, उससे भी पहले जो स्थिति थी जिस समय सब दूरदर्शन हुआ करता था, तो उस समय तो मैंने सुना कि लाइनें लगती थी, एक्टर्स परेशान हो जाते थे, एक्टर्स ज़्यादा होते थे, काम कम होता था। बट आज की डेट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, टीवी में इतने चैनल्स हैं, हिंदी फिल्में बन रही हैं, मराठी फिल्में बन रही हैं, तेलुगू फिल्में बन रही हैं, तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। आप महाराष्ट्र से नहीं हैं? जी, मुझे सच बताऊँ तो परेशानी हर इंसान का नसीब होता है, टाइम होता है। परेशानी नो डाउट हुई, बाहर से आना, रेंट पे रहना, कभी खाना होता था कभी नहीं होता था, कभी घर होता था कभी नहीं होता था। तो 4 साल मैंने भी बहुत अच्छे से मेहनत करी और आज भी मेहनत कर ही रहा हूँ, पर हाँ वक्त आपको हर चीज़ सिखा देता है। तो हर इंसान का एक्सपीरियंस वो खुद गेन करेगा। अगर आप चाह रहे हैं इंडस्ट्री में आना, तो कल को आप आएँगे और आप कुछ नया देखेंगे यहाँ पर। जी, कुछ नहीं, हर आर्टिस्ट का मन होता है, इच्छा होती है, सपने होते हैं कि वो बड़े पर्दे पे काम करे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देख रहा हूँ यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो लाइफ की मेहनत है वो सफल हो रही है और हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये पहली मेरी मराठी फिल्म है, इसके बाद आप बहुत जल्द देखेंगे कि हमारी हिंदी फिल्म भी आएगी, जो कि अक्टूबर या नवंबर में प्लानिंग है हमारी नेक्स्ट हिंदी फिल्म की, फिर फरवरी में। तो बस धीरे धीरे मैंने 2 फिल्में अभी की हिंदी में की हैं, एक लव शगुन है, दूसरी फिल्म मैंने अध्ययन सुमन के साथ में करी है, डीएनए ऑफ लव। तो बहुत जल्दी उनके भी म्यूजिक रिलीज पे आप मुझे यहाँ पर मिलेंगे और आपको आगे की चीज़ें मालूम चलेंगे। मतलब ये कि बस अब बैक टू बैक फिल्म पे फिल्म, फिल्म पे फिल्म, फिल्म पे फिल्म आएगी। तो आप बस देखिए और दुआएं दीजिए और अपनी विशेस दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।